मजा आने वाला है, कल तीज का त्यौहार है, हम लोग क्या क्या करते हैं जरूर देखना। और बहुत देर बाद ब्लॉग आ रहा है दोस्तों, तबीयत खराब हो गई थी और कुछ बस प्रॉब्लम आ गई थी इस पीछे से, मैं हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाए, लेकिन अब कोशिश करेंगे हम डेली ब्लॉग डालें दोस्तों। और मिलते हैं सुबह आपसे। आज ब्लॉग मैंने बहुत लेट चालू किया है क्योंकि बस बाकी हम मिलते हैं सुबह आपसे दोस्तों। तीजों की तैयारी चल रही है तीज की। और दोस्तों देखो मेहंदी रच गई है मेरी, बढ़िया देखो कितनी बढ़िया रच गई है, वाओ। और अब मैं गोरी और गप्पो बना रही हूँ उनके लिए कपड़े, गोरी गोरा के कपड़े। ये दोस्तों गोरी गोरा बना लिए हमने और इनके कपड़े बनाऊंगी हमने। साथ साथ खाना भी बनता ही आ रहा है। कपड़ा बना रही हूँ गोरा गोरी के, हमारे यहाँ बनते हैं इस तरीके से हाथों हाथ उसी दिन। ये एक्स्ट्रा इसको निकाल दो, ये हमारे सिलाई नहीं होती इनकी तो इसलिए इनको ऐसे ही बनाती हैं। ये हो गया गला, ये हो गए इनके मुंडे। ये ड्रेस तैयार होगी, ये गौरी गोरा के कपड़े पहनाऊंगी मैं। ये हो गए तीजों के कपड़े और इनके कपड़े बनाऊंगी। तो आपके यहाँ कैसे बनाए जाते हैं जरूर लिखना कमेंट में, कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ इस तरीके से मनाए जाते हैं यूपी में, हम लोग कासगंज की है ना, तो हमारे यहाँ ऐसे ही मनाई जाती है। और ये उनकी शॉल हो गई गोरा जी की, इन्होंने डंडी नहीं लगा दी, डंडी नहीं लगाती यहाँ। एक और लाल रंग का कपड़ा लाओ जो दोनों जनों को उड़ा दें, लेके आओ शॉल उड़ा दिए। ये देखिए दोस्तों गठबंधन हो गया है गोरा गोरा जी का, गोरा ये गोरा ये गोरा है, ये गोरा है, ये गोरी। ये देखिए दोस्तों अब मम्मी तैयार हो रही हैं और मैंने मम्मी के बाल काले करे थे, ये देखो कंघा चाहिए कंघा। अभी वो सिंदूर लगाएंगी, कभी लगाओ मत लगाओ लेकिन तीजों पे जरूर लगाना चाहिए सिंदूर, और करवा चौथ पे क्योंकि हमारे शुभ माना जाता है। और पूरी मांग दोस्तों भरनी चाहिए करवा चौथ तो तीजों पे, इसलिए मैं पूरी मांग भर रही हूँ। कैसे भरती हूँ, थोड़ा सा लगा लेती हूँ सिंदूर, लेकिन आज के दिन हम पूरी मांग भरेंगे। ये देखिए दोस्तों मम्मी लेके आई है तीजों का सामान मनसने के लिए, जो तीज के त्यौहार पे मनसा जाता है। ये साड़ी है, ये पैसे हैं, ये बिंदी का पैकेट है, ये रुमाल है। साड़ी देख सकते हैं कमेंट में बताना दोस्तों साड़ी कैसी लगी, और मैं कल ही लेकर आई हूँ। और ये है सामान जो मैं मनस के दूँगी। पहले नंबर पे आई चूड़ी, चूड़ियाँ हरे रंग की चूड़ियाँ बहुत शुभ मानी जाती हैं देने के लिए तीज पर। ये देख सकते हैं दोस्तों वेलवेट की चूड़ियाँ हैं, कितनी सुंदर लग रही है। इसी मैचिंग की है मम्मी देखो, इसकी मैचिंग की मैचिंग की तो लाई है, ये वेलवेट की चूड़ी हो गई। ये चांदी के बिछियाँ, ये बिछियाँ हैं चांदी की, चार बिछियाँ दो दो हो गए। ये हो गई मांग भरने से, ये हो गया हमारा क्लेचर जिसको दोगी उनका क्लेचर है। और ये देखिए मेहंदी की किट,
ये रस्ती है अच्छी सी कावेरी मेहंदी, बढ़िया मेहंदी। और ये हो गया छोटा सा तेल। मम्मी मेहंदी तो दिखा, मैंने तो मैं मेहंदी लगाई थी, दिखा दी मैंने, रच गई है। और ये है लिपस्टिक इस तरीके की, देख सकते हैं लिक्विड वाली, जैसी मैं लगाती हूँ वैसी मैंने दी है लिपस्टिक। और ये है रबड़ बालों की। दोस्तों बताना मेरा सामान कैसा लग रहा है, और कमेंट में मुझे जरूर बताना। और अभी और भी सामान है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। और ये है क्रीम, वीडियो को मिस मत करना। क्रीम हमने जल्दबाजी में ले ली थी, वो हमारा टाइम नहीं बचा था। कल विशाल ले आया तो मैं भूल गई, मैं लाती थोड़ी सी बड़ी लाती, अब बच्चों को नहीं मिली तो वो यही ले आए, बहुत देर हो गई थी। और ये नेल पॉलिश, नेल पेंट, रात को शॉपिंग करिए 10 बजे तक, ये मैरून कलर का नेल पेंट है, 10 बजे तक शॉपिंग करिए। दोस्तों ये है कंघा और इसके अंदर ये है शीशा, इसके अंदर कंघा और शीशा सेट है, कंघा शीशा का दोनों का। ये है महावर पैरों में लगाने वाली ये, और ये है दोस्तों बिंदी, बिंदी मुझे जरूर कमेंट में बताना कैसी लगी है। और इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रही तो आप खरीद सकते हैं, देखिए खरीद लेंगे। और इधर दिखाओ, ये देखो ये दोनों बिंदी मैंने सुंदर दी हैं, जैसी वो लगाती है वैसी, एक पत्ता इसके अंदर डाला है और एक ये है। ये है मेरा सामान दोस्तों तीजों का, और इस पर रखूंगी पैसे, हुई पैसे मैंने ये रख दिए। अब ये दोस्तों मैं ये सामान सारा लेकर आई हूँ, और अब मैं पैक कर दूँगी और इनको मैं मंसूँगी, और मंस के कासगंज जाऊँगी, तब मैं दूँगी किसको दूँगी ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। और अब आती है मम्मी की चूड़ियों की बारी। बड़े मुश्किल से ली थी इन्होंने, लेते ही नहीं, पसंद ही नहीं इनको। आप मेरे कड़े जरूर बताना कैसे लगे, सुंदर लग रहे हैं या नहीं। और दोस्तों हम हमारे यहाँ ये हरी चूड़ी पहनते हैं हम, इसको कर रहे हैं साइड। अब हम ये दोस्तों हम हरी चूड़ी हमारे यहाँ पहनी जाती है, ये चूड़ी ये शादी में भी पहनाई जाती है, ये हमारे यहाँ लगन में भी पहनती हैं लड़कियाँ, जब लगन उनकी लिखी जाती है और बच्चा बेट लड़का पैदा होता है तब भी हमारे यहाँ ये सोगर में दस्टन होता है तो पहनाई जाती है। अब दोस्तों मैं अपनी चूड़ियाँ पहनूँगी, दो चार दो छः और एक सात, ये सात चूड़ी में पहनूंगी। एक में गैस पे कुछ रखा तो नहीं, और मैं पहनूंगी। और दोस्तों बताना कि मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है पहनने के बाद, तो मेहंदी भी रच गई। चूड़ियाँ पहनना किस किस को पसंद है, अभी नेल पेंट भी लगाएंगी, मैं लगाऊंगी आपके नेल पेंट तुम्हारे। और ये देख सकते हैं, और ये मैंने डाल लिया अपना। अब दोस्तों बताना कमेंट में चूड़ियाँ कैसी लगी। अब आगे दूसरे हाथ की बारी, तीन और छः और एक सात, चार पाँच छः सात और एक आठ, दो दो चार दो छः और दो आठ, चार और दो सात, ठीक है। अरे पहले कड़ा डालना था, हाँ भूल गई, मुझे तो याद है, चूड़ी कोई हो गया काम, जो हो गया खट्टी जड़ा ली ना मैंने, कांच की है ना, हाँ कांच की है ना, कांच की ही पहनी जाती है दोस्तों हमारे यहाँ। कड़ा डालो आगे दोस्तों, देख सकते हो, हाथ दिखाओ लग रही है दोस्तों, बताना कमेंट। देखिए दोस्तों ये यहाँ बन रहा है तीज का खाना, और खाने में बनेगी आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी भंडारे वाली, और पूड़ियाँ गर्मा गर्म, और आलू की कचौड़ी, साथ में होगा रायता, रायता तो सबको अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा और उसमें बूंदी साथ में। ये देखिए दोस्तों यहाँ सब्जी छौंक रही मम्मी, इसमें डालेंगे मैं हरी मिर्च, इसमें देखिए डालेंगे हरी मिर्ची ढेर सारी, और साथ में डालेंगे टमाटर मम्मी,
ऐसे सबको पता है टमाटर कितने महंगे चल रहे हैं। हर जगह टमाटर, इंस्टाग्राम पे भी टमाटर टमाटर खाया हुआ है। फिर भी बिना टमाटर की सब्जी नहीं बनती अच्छी, कितना भी महंगा हो जिसको खाना है वो खाएगा। और भाई मुझसे तो बिना टमाटर की सब्जी बनती नहीं है, या तो बनाऊंगी नहीं, बनाऊंगी तो टमाटर डालूंगी ढंग से। ये नमक है स्वाद के अनुसार। कचौड़ी के आलू है, इसमें कुटा हुआ मसाला है, सौंफ, धनिया, जीरा सब चीज़ है, और ये हरा धनिया, ये है लाल मिर्च। कमेंट करके जरूर बताना आलू की कचौड़ी किस किस को अच्छी लगती है। आलू के परांठे सबको अच्छे लगते हैं वैसे तो, क्योंकि कचौड़ी बताना आप कमेंट करके कि किस किस को अच्छे लगते हैं कचौड़ी। ये देखिए मम्मी बना रही हैं पिठी। दूध है गाय का 2 किलो सुबह आया था, इसको धीमी धीमी आंच में मैंने और दिया है, और इसको मलाई इसमें पड़ गई और इसको मैं उठा कर रख रही हूँ फैल ना जाए। मसाला भून गया है, अब मैं इसमें आलू डाल दूँ। देखिए दोस्तों मम्मी तैयार हो रही है, मम्मी नेल पेंट लगा ली है अपना। नहीं मैं शूट करें, नहीं तो मैं नेल पेंट लगाती हूँ हर बार। देखिए दोस्तों मम्मी ने नेल पेंट लगा लिया है, ये मम्मी ने सनस्क्रीन लगाया, मम्मी का फेस देखो, मम्मी मेकअप नहीं करती। देखिए दोस्तों पनीर डाल दिए मम्मी ने। देखिए दोस्तों मम्मी ने इयरिंग पहन लिए, दिखाओ मम्मी इयरिंग, छोटे छोटे प्यारे से। अब ये देखिए दोस्तों मम्मी महावर लगा रही हैं। महावर बहुत ही क्या होता है मम्मी, महावर जरूरी होता है। हाँ जरूरी होता है बहुत ज़्यादा। पूरी साल नहीं लगाऊंगी पर आज के दिन और करवा चौथ के दिन जरूर लगाती हूँ। तैयार हो गई और बनाने जा रही हूँ पुए, क्योंकि हमारे यहाँ तीजों के त्यौहार में पुए जरूर बनते हैं मीठे, ये देख सकते हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ गोले का बुरादा डाला है नारियल का, और बस इसी से बनाऊंगी, और इसी के हमें बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि हमें चिरौंजी अच्छी नहीं लगती। नहीं नहीं बच्चे नहीं खाते, नहीं अच्छी लगती। हमें सब अच्छी लगती है, बच्चे नहीं खाते, बस क्या करें। ये देखिए दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें पुए बनाएंगे मम्मी। ये गर्म नहीं हुआ ढंग से। अच्छा, और सब्जी बन गई है हमारी। सब्जी ये बन गई है आलू टमाटर की, देख सकते हो। ओ वाओ कितनी टेस्टी लग रही है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। भंडारे वाली सब्जी। सकते हैं दोस्तों पुआ बना रहे हैं, और हमारे यहाँ तीजों की पूजा जो होती है पुआ से ही होती है। इसका तेल निचोड़ेंगे, ये है पुआ, और भी मैंने सेक के रख लिए हैं। पूजा भी करने के लिए आई थी महादेव की, जो मेरे साथ कोई था नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। ये देखिए भोलेनाथ के दर्शन के लिए आप। दोस्तों खाना मेरा बन चुका है, कचौड़ी बनाई है मैंने, ये पूड़ी बनाई है, चीज़ों की थाली तैयार की है, मंसूंगी इसको, और थोड़ी सी पूड़ी और रह गई है, इसमें फटाफट ये भी बना ले। कहाँ है लड़का भी ना है। दोस्तों आज तीज का त्यौहार है, और तीज पर ये सामान मैं मंसूंगी, सुहागलों को मंसी जाती है, तीज का स्पेशल त्यौहार है, और हमारे यूपी में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हम दिल्ली में तो हम फिर भी मनाते हैं। देखते हैं ये है 8 पूड़ी है दोस्तों, और ये सामान्य स्वाद का जो मैंने आपको दिखाया था, और ये साड़ी है, बिंदी है, ये चूड़ियाँ हैं, ये सब मैं मस रही हूँ।
देखो तीज माता सदैव सदैव हमारा स्वाग बना रहे, ऐसा आशीर्वाद देना और मेरे पति की लंबी उम्र देना प्रभु, सदैव हमारा साथ रहे हमेशा। ऐसा ही यही है अपने प्रेम को वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बता रखो। दोस्तों ये है हमारा तीज का त्यौहार और इसी तरीके से मनाते हैं औरतें सुहाग का पूरा सामान, साड़ी चांदी के बिछिया वगैरह चूड़ी सारा कुछ मंज के देती हैं, चाहे सास को दे दो चाहे जिठानी को दे दो या भांजी को दे दो। मेरी सास तो नहीं है पर मैं अपनी जिठानी को दूंगी इस बार और अगली बार भांजी को दूंगी और ऐसे मनाते हैं हमारे त्यौहार। और आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि हमारा तीज का त्यौहार मनाया आपको कैसा लगा और आप यहाँ किस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों अब मैं वीडियो को यहीं एंड करने जा रही हूँ और मेरा तीज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करना और दोस्तों को शेयर करना जो वो भी इंजॉय कर सके और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना और नोटिफिकेशन को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना जिससे कि नया वीडियो हमारा आप तक आ सके और बनाएंगे धमाकेदार वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।